गया के नगर निगम शास्त्री नगर वार्ड नंबर 10 में रहने वाले लोग नारकीय जीवन जीने को बेबस और लाचार हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। दरअसल स्थानीय निवासियों ने बताया कि कई वर्षों से इसी गंदी नाली के पानी में रहने को बेबस और लाचार है। आज तक किसी भी अधिकारियों के द्वारा समस्या से निदान नहीं मिल पाया है, जो कि हम लोग कई बार अधिकारियों को आवेदन देकर समस्या के बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन कान में तेल डालकर अधिकारी सोए रहते हैं और ऑनलाइन समस्या दर्ज कराने की अक्सर बात करते हैं। हम लोग अपनी समस्या आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कई वर्ष बीत गए, समस्या उसी स्थिति में है। बच्चों का स्कूल भी आना जाना बाधित हो गया है। कई तरह की गंभीर बीमारी के चपेट में लोग आ गए हैं, लेकिन आज तक न पार्षद न निगम के अधिकारियों द्वारा समस्या का निदान कराया गया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। के अंतर्गत ये शास्त्री नगर पश्चिम रोड नंबर 10 है। ये गया नगर निगम का सबसे बड़ा वार्ड है और इस वार्ड के अंतर्गत सबसे स्लम एरिया शास्त्री नगर रोड नंबर 10 है। यहाँ सालों भर रोड में जलमग्न रहता है और पानी से सड़ जाने के कारण पूरा बदबू में पानी हो जाता है। सभी के घरों में मच्छर और कई कीटाणुओं का प्रवेश हो जाता है। कई बार यहाँ बच्चे भी बीमार रहते हैं और स्कूल तो कम जाते हैं, हॉस्पिटल ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पर पानियों में सांप और कई विषैले जीव जंतु भी तैरते रहते हैं। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो काफ़ी बीमार रहते हैं, वो अपने छोटी छोटी बीमारियों का भी चेकअप नहीं करा पाते हैं। बीपी है, शुगर है, उसको ले जाने में काफ़ी सामना होता है और बीमारी से तो चपेट में आ ही जाते हैं। और जो पहले से बीमार हैं उनको हम लोग इलाज नहीं करा पाते हैं, वो अवग्रसित हो जाते हैं बीमारी से। और फिर छोटी छोटी जो गाड़ियाँ हैं, टेम्पू है, मोटरसाइकिल है, वो भी आने में यहाँ हिचकिचाते हैं। हम लोग मोटरसाइकिल से ले जाते हैं तो कई बार इस पानी में गिर जाते हैं। और ये स्थिति यहाँ 6-7 सालों से है, 6-7 सालों से स्थिति बनी हुई है। और यहाँ कितना साल से है इस तरह का पानी जमा हुआ, कोई ठेला वाला भी नहीं आता है। ये लोग तो ड्यूटी चले जाते हैं, हम लोग को परेशानी झेलना पड़ता है। बच्चे तक को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, सांप भी आता है घर में पानी। ये कितना बार सांप घर में घुस गया है, आज स्मेल आता है पानी से, बच्चे बीमार रहते हैं, इन्फेक्शन होता है, बहुत तरह के प्रॉब्लम है यहाँ पे। कब से ऐसा हाल है? बहुत साल से, आज से देख रहे हैं, कम से कम 6-7 साल से तो हम ही देख रहे हैं। इसकी शिकायत कहीं आप लोगों ने की? शिकायत इतना बार हुआ है, कितना बार मोहल्ले के लोग गए हैं, हमारे हस्बैंड हुए, अगल बगल के जितने हैं सब कितना परेशान रहते हैं इसकी वजह से। यहाँ भाग दौड़, यहाँ सब जगह, तो मतलब ऑफिस का तो खाली चक्कर काट रहे हैं सब। स्थानीय पार्षद उनके द्वारा क्या कर दिया गया? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, कभी तो नहीं देखे किसी को आकर के कुछ प्रॉब्लम। बहुत बड़ा है थोड़ी, ये तो सरकार का ड्यूटी है ये सब करना, लेकिन सरकार कहाँ कोई कुछ करता है, नगर निगम कहाँ की एक बार आकर के प्रॉब्लम सहा। ये तो अभी बहुत कम पानी, अगला पिछला साल तो और ज़्यादा था। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है, रोड नंबर 10 शास्त्री नगर के हम निवासी हैं और हमारे घर के अंदर भी पानी अंदर आ जा रहा है चैम्बर के माध्यम से, और पूरा जाने आने में दिक्कत हो रहा है। एकदम लास्ट मकान होने के कारण और ज़्यादा हमको दिक्कत हो जा रही है। कब से ऐसा? एक बार ये हो रहा है सर, दो तीन साल हो गया है लगभग। एक पिछले साल तो हमारी बेटी भी गिर भी गई थी, तो हाथ फ्रैक्चर भी हो गया था यहीं पे पानी में ही। जो यहाँ जो स्थानीय बार पार्षद उसके द्वारा हाँ दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। में भी बताया कि वार्ड नंबर 29-53 में जो है सबसे बड़ा वार्ड है, 18,000 आबादी यहाँ है। देख ही रहे क्या स्थिति है 3 दिन पहले का। और ये रोड नंबर 10 है शास्त्री नगर का, आप मेन रोड से जो सब इन कीजिएगा तो शायद ही ऐसा कोई मकान आपको दिखेगा, देखते ही आप समझ जाएगा कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ के ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, सभी शिक्षित हैं, कोई रिटायर्ड इंजीनियर है, कोई अभी मौजूदा इंजीनियर है, कोई व्यापारी तो शहर के 1 to 10 में टैक्स पेयर, इनकम टैक्स पेयर है, ITR का, लाखों में नहीं 1 to 10 में टैक्स पे करते हैं। कि पॉस कॉलोनी है, निश्चित यहाँ के बच्चे जो है DAV DPS में पढ़ते हैं, उन शिक्षित बच्चों को इस नाले में होकर के जाना पड़ता है, जहाँ स्वच्छता अभियान के नाम पे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन लोग के एक साल के संघर्ष के बाद भी 4 महीना पहले टेंडर हुआ और 4 महीना के बाद एक भी अभी तक कोई वो मजूरा तक नहीं आया, ठेकेदार तो छोड़ दीजिए। जो परिस्थिति इतनी भयावह है नगर में हो गया, ये अगर ऐसे पॉस कॉलोनियों के लिए भी अगर चिंता नहीं किया जाएगा, आपके कार्य को मैं पहले भी सराहा हूँ, आपको पहले भी कहा है कि गया आपको चैलेंजिंग है, आप प्रशिक्षु हैं, आप ट्रेनिंग में आई हैं, लेकिन ये गया आपको हमेशा
आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।